हेलो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है आप ना भूलिए, जिससे आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो मिलते रहे। मैं कुल मिला के आपको अभी 650 वीडियो 650 क्वेश्चन जीके के प्रोवाइड करा चुका हूं, और मैं कुल मिला के कोशिश करूंगा कि आपके लिए जितने अधिक से अधिक हो सके जीके के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूं, जिससे आपके सारे एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके थैंक्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में है। ठीक, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। आप ये चीज़ अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक, कटक किस नदी पर बसा? महानदी पर। साई नरी भाषा के कितने अक्षर होते हैं? 2। लैंड का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, गोवा पुर्तगाली शासन में कब आज़ाद हुआ? 1961 में। ठीक, बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम से हुआ था? अंग्रेज के अधिकार हो गया था 1764 में। ठीक, रेगुलेटरी एक्ट कब लागू किया गया? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ रखा गया था? बर्मा म्यांमार में। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद ध्यान रखिए कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपको मैं इस चीज एडवांस में जो चाहिए मैं देता जा रहा हूँ। ठीक है, भारत की पहला बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पहला कौन सा है? रूस का। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत में पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कौन सा है? कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तिरंगे झंडे के संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जनगणमन को संविधान सभा राष्ट्रगान कब घोषित किया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, खुदा बक्स पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। ठीक है, सत्रह सौ चौरासी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का कानूनी काम करवाना अपराध बना दिया गया? वो था 46वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को अब संविधान द्वारा हटा दिया गया, मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, अब ये विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके थैंक्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।